अगर नॉकआउट निकाल पाते हैं बहुत ही बढ़िया अप्रोच रहेगा। ग्रेनेड से कनेक्शन जरूर मिलेगा मवी के ऊपर, 40 एचपी लॉस करवाई जाती है जरूर, बट गॉड लाइक दे हैव द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द सर्कल एंड एनिग्मा रेक्स को वो टेक डाउन करने वाले हैं। ग्रेनेड आएगा फियर्स की तरफ से, अ फियरफुल ग्रेनेड कमिंग इन फ्रॉम फियर्स एंड यहां पर होने वाले हैं मवी नॉकआउट। अल्ट्रॉन की तरफ से भी ग्रेनेड आएगा जो कि पंक को नॉकआउट करते हैं एंड इसी के साथ साथ ये जो फाइट है अभी एक 1v3 बन चुका है। फियर्स हैविंग द यूएम पेन इज हैंड ट्राइंग टू कम आउट बिग टाइम बट यहां पर अल्ट्रॉन के साथ साथ एक 1v1 में फियर्स जरूर इन्वॉल्व होने वाले हैं। फियर्स कम टू स्टॉप कैच अनदर प्लेयर डाउन एंड इसी के साथ साथ कंफर्म किया जाएगा फियर्स, ही डस गेट वन कंफर्म बट इमीडिएटली मवी हो चुके हैं। रिवाइव हील करना पड़ेगा, किसी भी हाल में हील करके आगे बढ़ना पड़ेगा। स्काउट इज बैकिंग इन डाउन कम से फियर्स द मैन ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ फिर से रीलोड करेंगे मवी। आखिरी खिलाड़ी बचे हुए क्या यहां पर कर सकते हैं? जी नहीं, यहां पर टेक डाउन किया जाएगा। टाइम खत्म हो चुका है, कुछ बहुत ज्यादा टाइम अब बचा नहीं है, बट अब टाइम आ चुका है गॉड लाइक का फिनिशर्स निकालने का। स्मोक पाथ बनाया, स्मोक के अंदर ही ग्रेनेड डालते जा रहे हैं जोनाथन, कितने ही आप स्मोक कर लीजिए बट इन थ्रोएबल से बच के, इन रैंडम शॉट से बच के आना एनिग्मा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। मोलोटोव भी यहां पर कर दी गई है और नजरे गड़ाए बैठी है एनिग्मा रेक्स स्काईलाइट के ऊपर, भले ही वो हार्ड रॉक कवर के पीछे बट सिंगल टायर जोनाथन ने वहां पर एनिग्मा के सैगी को नॉक एंड फिनिश कर दिया। एकदम से स्पीड पकड़ेगा गॉडलाइक का ये खेमा बिकॉज जोन के अच्छे स्पॉट पर थे। अब सारी टीम तो लेट आएंगी, उन्हें गेट कीप करने का जो पूरा चांस है तब्दील किया जाएगा। केविन स्पोर्ट्स के अक्षत और इंजॉय के आदित्य को डाउन कर जाते हैं। इट्स नियो जो एली को डाउन करेंगे एंड जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम एनिग्मा। ये 1v1 की फाइट अगर जोनाथन एक बार फिर से निकाल जाते हैं तो जो फिनिश इज एक्सपेक्ट किए ना, पोजीशन में ड्रॉप किया गया सारंग के ऊपर शॉट्स कनेक्ट होंगे जरूर बट जी और यहां पर प्रिंस का नॉकआउट निकाल जाते हैं कि किसी भी हाल में 7C की टीम को जो है कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया। दैट्स स्प्रे थ्रू द स्मोक, माय ओ माय, दैट रियली रियली प्लेड आउट। दी IGL from Orange Rock proving out to be the best in that moment there, but 7C Esports eliminate हो जाती है बहुत early elimination के लिए काफी ज़्यादा आसान बनता है था। वो देखिए ऊपर क्या लिखा है, domination for godlike exactly, but थोड़ी सी hindrance create की गई है जहाँ पर Jelly ने Orange Rock के players ने godlike के Z God को knock किया है। Jonathan की गाड़ी पर भी अच्छा खासा damage आ रहा है and cover के अंदर जाकर revival देने की जो प्रक्रिया है वो already शुरू कर दी गई है। वैसे तो यही बिल्कुल सही समय था Orange के लिए आगे जाके पाउंस ऑन करने का जबकि इनके पास व्हीकल्स भी मौजूद है, बट ये मौका शायद गवा दिया। इसके बाद अगर आप लेट जाएंगे वो भी तब जब रिवाइवल मिल जाएगा तो शायद उसका उतना ज्यादा फायदा ना भी है, बट कंपाउंड तक जाने का शायद प्लान है ही नहीं। नियो ने आकुना उसको डाउन करके फिनिशेस में थोड़ा सा और इजाफा दिया है और इस ड्रॉ के जिप्पी को यहां पर नॉक कर दिया था क्लास गॉड के द्वारा एंड इसी की मैं बात कर रहा था। जब नॉक किया ही था, गाड़ी भी आपके पास थी तो पाउंस ऑन करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता था, बट सेल्सियस कार्तिक आई बिलीव तेरा फर्स्ट एड के साथ साथ वो हील बैटल में इन्वॉल्व जरूर अपने आप को करना चाहेंगे एंड इट्स अ स्मार्ट मूव। लाइक अभी के लिए अगर आप 2 points का बफर चाहते हैं विदाउट कलेक्शन ऑफ एनी फिनिशेस आप वो हील बैटल कर सकते हैं, बट कितनी देर तक आप देखिए फर्स्ट एड को आई बिलीव थोड़ा लेट यहां पर इनिशिएट किया गया, बच तो जाएंगे इस फर्स्ट एड को यूज करने में लेकिन वो वेपन हाथ में आते ही ना थोड़ा बहुत टाइम डिले रहता है जरूर, बट क्लच गॉड को ओपन में नॉकआउट किया गया। आदित्य के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहां पर एक 1v4 निकाल के जा पाए लेकिन आसान नहीं रहेगा। ओआर जली हो जाता है, कंफर्म इन्फॉर्मेशन खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। आदित्य के ऊपर यहाँ पर जोनाथन क्लोजिंग करते हुए नजर आएंगे। एक आखिरी खिलाड़ी जो कि खतरा बन सकते हैं गॉडलाइक की टीम के लिए ग्रेनेड कुक किया गया है, ड्रॉप आउट किया जाएगा। जोनाथन की तरफ से भी ग्रेनेड आएगा जरूर, आदित्य को ओपन में स्पॉट किया गया, एक परफेक्ट ग्रेनेड आता है जोनाथन की तरफ से एंड दैट्स ओआर डाउन एंड आउट एंड जोन में ही एलिमिनेट हो जाते हैं सेल्सियस के आखिरी खिलाड़ी गॉडलाइक। दे कम इन बिग टाइम और इसी के साथ साथ आज के दिन का पहला चिकन डिनर उनके नाम। देखिए ये एक आई थिंक बहुत सिंपल सा मैच रहा गॉडलाइक के लिए, इस लेवल ऑफ कंपटीशन से तो गॉडलाइक बहुत ऊपर जा चुका है बिकॉज यहाँ पर टीम्स ने कुछ खास एक्स्ट्रा एफर्ट दिया नहीं है। कितनी सारी टीम्स ऐसी थी जो पैसिव खेलती हुई दिखी है। सेल्सियस की भी अगर आप बात करते हैं इतना अच्छा इनके पास जोन का एक्सेस, आई स्टिल रिमेंबर आप ही ने सेगमेंट लिया था कि सेवर्नी में इतना अच्छा शोर होल्ड कर लिया, बैक उनकी क्लियर है।